तो फ्रेंड्स ये स्टार्टर हो गया है बिल्कुल ख़राब और हमें है पानी की सख्त ज़रूरत। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे इसको चला सकते हैं मोटर को बिना स्टार्टर ठीक करे हुए, क्योंकि दोस्तों अभी तो हम इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। क्या चीज़, क्या कंपोनेंट ख़राब हुआ है वो अवेलेबल है नहीं हमारे पास में, तो हम अपनी मोटर को कैसे चला सकते हैं। जैसे कि रात में ख़राब हुआ है तो दोस्तों सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें अभी मोटर को चलाना है, तो मोटर हम कैसे चला सकते हैं, एमरजेंसी में मोटर को कैसे चला सकते हैं, MCB ख़राब हुआ है या स्विच ख़राब हुआ है, क्या चीज़ ख़राब हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास अभी अवेलेबल कुछ भी नहीं है, तो फिर भी लेकिन हमको मोटर को चलाना है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम उसको कैसे अपने मोटर को चला सकते हैं, इसी वीडियो में इतना ही जानेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों कोई भी कंपोनेंट इसका ख़राब होता है दोस्तों, मार्केट में हमें जाने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। इसको ओपन करने के बाद में देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी प्रॉब्लम देखने का जैसे हमारे पास टाइम नहीं है और हमको मोटर को चलाना है, इमरजेंसी है, तो हम उसको कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं आप, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या चीज़ ख़राब हुआ है। यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए होंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक पर लिखा होगा 100 120 MFD, देखिए यहाँ पर देखिए ये 100 120 MFD, ठीक है। 100 120 MFD का एक कैपेसिटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस कैपेसिटर को कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है, इसको वैसे के वैसे ही यहीं पे छोड़ देना है, लगे रहना है। और दूसरा कैपेसिटर दोस्तों उस पर लिखा होगा 50 MFD, एक HP की जो घर में घरेलू मोटर होती है फ्रेंड्स, जो घर में समरसेबल हम यूज करते हैं, उसकी मोटर के स्टार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक कैपेसिटर 50 MFD का ज़रूर होगा, जिसपे 50 MFD लिखा होगा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर लेंगे, इस स्टार्टर से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको हमने देखिए यहाँ से अलग किया, ठीक, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम यहाँ से भी इसको खोल लेंगे। दोनों ही कनेक्शन जो है फ्रेंड्स हम इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये हमने बाहर निकाल लिया है, 50 MFD लिखा होगा फ्रेंड्स इस पर, ठीक, ध्यान से देखना। अब इसको बंद कर देते हैं और साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया है और हमें मोटर को चलाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक इस तरीके का वायर आ रहा होगा मोटर से निकल के, जिसमें तीन कलर के अंदर वायर होंगे जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, रेड येलो ब्लू, ब्लू येलो रेड, इस तरीके से, ठीक है। कलर बहुत मैटर करता है दोस्तों, तो तीन कलर के वायर उसमें निकले होंगे ये जो मोटर से आ रहे हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास एक मेन पावर सप्लाई का, जो जिससे हम स्टार्टर को करंट दे रहे थे, मेन पावर सप्लाई, उस तरह के दो वायर होंगे जो यहाँ पर कनेक्ट हो रहे थे इस साइड, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर अब हम इसका कनेक्शन करना आपको स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। दोस्तों कनेक्शन अगर उल्टा हो गया तो मोटर भी फूक सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कनेक्शन अगर राइट करेंगे तो आप सालों साल चला सकते हैं, स्टार्टर का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेन पावर सप्लाई का कोई सा भी एक वायर कोई सा भी ले सकते हैं, ब्लू वाले वायर पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, मोटर के ब्लू वाले वायर पर कनेक्ट कर देना है अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। हो सके तो दोस्तों उस पर टेप मार दीजिएगा, कनेक्ट करने के बाद में उस पर टेप मार दीजिएगा। और दूसरा जो मेन पावर सप्लाई का जो दूसरा वाला वायर बचा हुआ है उसको रेड वाले वायर पर कनेक्ट कर देना है दोनों पर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से रेड वाले पर कनेक्ट कर देना, ब्लू वाले पर कनेक्ट कर देना, रेड वाले पर भी टेप नहीं मारना है। और दोस्तों इस अब आता है कैपेसिटर की बारी, कैपेसिटर कहाँ पर हमको लगाना है। तो इसका कैपेसिटर का कोई सा भी वायर ब्लू येलो वाले वायर पे कनेक्ट कर देंगे अच्छे से, ठीक है। कोई सा भी वायर ले लेंगे लेकिन येलो वाले वायर पे कनेक्ट कर देंगे। एक वायर ये बचा हुआ है दोस्तों, इसको कहाँ पे लगाना है ये ध्यान से देखना, रेड वाले पे लगाना है या ब्लू वाले पे लगाना है, ठीक है। तो ब्लू वाले पे तो मैंने आपको पहले बताया था कि उस पर टेप मार दीजिएगा, तो वो तो कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रेड वाले वायर पर यहाँ पर कैपेसिटर का जो वायर बचा हुआ है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लेना ध्यान से, रेड वाले वायर पर इसको कनेक्ट कर देना है अच्छे से, ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। रेड वाले वायर पे हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, और येलो वाले वायर पे एक कनेक्ट वायर हमने लगाया, उस पर कोई मैन पावर सप्लाई का वायर नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ब्लू वाले को मैन पावर सप्लाई देनी है, रेड वाले को मैन पावर सप्लाई देनी है, रेड वाले पर एक कैपेसिटर का वायर भी लगाना है और येलो वाले पर सिर्फ कैपेसिटर का वायर लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, आपको दिख रहा होगा ठीक से। इसी तरीके से आप अपने अपनी मोटर के तार कैपेसिटर पे इस तरीके से लगाइए और मैन पावर सप्लाई में बिल्कुल बेफिक्र होकर के मैन पावर सप्लाई चालू कर दीजिए, आपकी मोटर 100% चलेगी, है ना। अगर मोटर में कोई फॉल्ट नहीं तो मोटर 101% वर्क करेगी दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इसका कनेक्शन करते हैं तो, ठीक है। जानकारी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी तरीके हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।